वसूली करने के लिए उसको फोन लगाते हैं, इसका मतलब आप उगाही कर रहे हैं। तीन को टिकट बेचे, पांच लाख तीन को दिया, तो पांच लाख दिया उसको, पांच लाख इससे मांगे और जिसको नहीं मिला है, बोलिए देखिए उल्टा आप गर्म हो जा रहे हैं, मामला को शांत कर रहा और आप कहना पूरा सब माहौल को खराब कर रहे हैं, सब शांत कर रहा, कोई चाह रहा कि यहाँ से बाहर जाए, आपका भी आवाज है, सब चीजें उनके साथ आपका आवाज है, आपको सुनना। मगर झारखंड में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का कामेश्वर बैठा जी जैसा प्रदेश अध्यक्ष रहेगा तो अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा। अभी हमसे 5 लाख रुपया मांगा गया, 5 लाख रुपया मेरे नहीं देने पर अभी तक हमको टिकट नहीं दिया गया है, जबकि हमको कल टिकट देने के लिए बुलाया गया था कि आप पैसा लेकर के आओ और टिकट लेकर के जाओ, ये कहा गया था। मैं इसका साक्षी, इसका प्रूफ मैं अपने सीनियर पदाधिकारी और मेरे सीनियर नेता लोग को मैंने व्हाट्सएप द्वारा दिया और अपने नेतागणों को सारे को सुनाया कि ये इस तरह का हमसे पैसा का डिमांड किया गया। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करता है उसको दिशा निर्देश दिया गया है ऊपर से कि वही आदमी को टिकट दिया जाएगा जिसका कोई भी मोल भाव नहीं होगा। और ये देखिए, हमारे पास जो अभी विशाल वाल्मीकि के द्वारा दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि श्रीमान कामेश्वर बैठा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इनसे 5 लाख रुपया का डिमांड किया गया है, जो कि गलत है। और इसका सूचना हम अपने प्रदेश प्रभारी को और सेंट्रल कमेटी को भी भेजेंगे, तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। गलत गलत होता है और सही सही होता है। अगर ये गलत किए हैं तो चाहे वो अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना हो, हम लोग सभी लोग विशाल वाल्मीकि के साथ हैं और निश्चित तौर पर विशाल वाल्मीकि को न्याय दिलाएंगे। हेलो, हाँ आप वाल्मीकि कहाँ हो? डेरा में है सर। गाड़ी वाला कितना रुपया मांग रहा है? गाड़ी वाला मांग रहा है सर 3 लाख रुपया। 3 लाख, ठीक है जी। 4 लाख रुपया और हम दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपया हो जाएगा सर। जी सर। तो गाड़ी कहिया फाइनेंस करेगा? बोलो कहिया भेजेगा सर। पेपर आप हमको दीजिए, ठीक है? आप हमको बोले ना सर कि आप विशाल आपको 5 लाख रुपया देना है, ठीक है सर, हम आपको गाड़ी में, आपका गाड़ी आप खरीदा रहा है उसमें हम 3 लाख दे देंगे और 2 लाख रुपया आपको सर हम नगद दे देंगे सर, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। 5 लाख में मेरा पूरा काम डन हो जाएगा सर। अब जैसे आपका सर बात मेरा सरों सलाखों पे, हम आपको पिता समान समझते हैं सर, ठीक है सर। सुनो, हम और कुछ पैसा दे रहे हैं तो लोन वही दे दो, समझ गए बात? जी सर। हाँ डलवा दो, समझ गए बात? जी हाँ। और कागज हम देते हैं, बताओ कागज सर? बोला पेन कार्ड, पेन कार्ड आप हमको दिए, आधार कार्ड दिए, ठीक है सर, 2 गो कागज दिए हमको। बोला 5 गो चेक चाहिए, बैंक खाता का जेरोक्स चाहिए, ठीक है सर, 5 गो बैंक खाता का जेरोक्स, हाँ बैंक खाता का जेरोक्स, 5 गो चेक, ठीक है सर, 6 गो आपका, 6 गो फोटो, पासवर्ड साइज का 6 गो फोटो, ठीक करो। हाँ जी सर। और तत्काल तो दे देंगे, ठीक है? जी सर, चलो हो गया जी सर। और सर बोल रहे थे मेरा कब करा दीजिएगा सर? ठीक ठीक, चलो बाद में बात होगा, लोग बात कर लो। जी सर। हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए, ठीक है? ठीक है सर। सर कौन बोल रहे हैं आप सर? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मनीष भैया नमस्कार। हाँ मनीष भैया नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ मनीष भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मनीष भैया हम मिले नहीं थे, चंदन क्यारी विशाल वाल्मीकि। हाँ हाँ हाँ, पहचाने भैया? हाँ हाँ पहचान गया, तो मतलब बातचीत हो गया? हाँ बातचीत हो गया है मेरा। नहीं मैंने गाड़ी वाले का बातचीत हो गया आपको, गाड़ी वाले से? हाँ गाड़ी का बातचीत हो गया है। कौन मॉडल है? नया गाड़ी निकलवा रहे हैं सर का, सफारी। सफारी? हाँ सफारी। सफारी कहीं मानी खराब गाड़ी है? सफारी क्या चाटा खाना है और मेंटेनेंस में उसका बहुत बिगड़ता है तो कम खड़ा देता है, तो स्कॉर्पियो करा देंगे। अच्छा स्कॉर्पियो हमको आप S5 का प्रोसेस बात करके। हाँ और S5 का प्रोसेस बात करके बताइए ना, चलो हमको आप। ठीक है सर, बताते हैं कल।